भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्रीमान भाटी जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सचिन नारायण जी एवं मंचस्थ सभी अधिकारी बंधु एवं देश के कोने कोने से आए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न उद्योगों की भाइयों और बहनों, मैं बीमा उद्योग का काम देखता हूं, इसलिए मैं आप सबों के सामने इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को बीमा क्षेत्र की समस्याओं का मैं उजागर करना चाहता हूं और वर्तमान केंद्र सरकार से मैं यह आशा करता हूं कि बीमा उद्योग की जो समस्याएं हैं उसका तत्काल समाधान निकले। इसलिए मैं बीमा उद्योग की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो वर्षों से प्रबंधन के साथ समझौता होने के बाद भी आज तक लंबित है, और यह दुर्भाग्य है कि बीमा क्षेत्र की प्रबंधन इस केंद्र सरकार को बदनाम करती है। ये कई बार हमने माननीय मंत्री जी महोदय को भी कहा है कि जब बीमा क्षेत्र के समस्याओं को लेकर प्रबंधन के पास हम जाते हैं तो सीधा कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, केंद्र सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री में यह मामला रुका हुआ है। जब मिनिस्ट्री में हम जाते हैं तो ये मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि यह मामला हमारे तक आया नहीं है। इस दुविधा में बीमा उद्योग के हर क्षेत्र के कर्मचारी, अधिकारी, एजेंट्स, डेवलपमेंट अफसर सभी इस क्षेत्र के, इस सरकार के, इस प्रबंधन के दोमुंहे रवैया के वजह से सफर कर रहे हैं। सरकार के यहाँ अभी हमारे पूर्व वक्ता बैंकिंग सेक्टर के पेंशन की मुद्दा उठाया, बैंकिंग सेक्टर में पेंशन के लिए 5 ऑप्शन दिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों का पेंशन लीगल बैटल में फंसा हुआ है। लेकिन बीमा क्षेत्र में पेंशन की मात्र 2 ऑप्शन दिए गए और 2 ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन आज तक मिला नहीं, और बीमा क्षेत्र में कुछ कर्मचारी अधिकारी वर्ग उस समय उसको किसी कारण से नहीं ऑप्ट कर सके। आज प्रबंधन इस बात को स्वीकार करती है कि हम सक्षम हैं पेंशन देने के लिए, वो चाहे GIC हो चाहे LIC हो। आप सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा, इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था बीमा क्षेत्र से चलता है। आप अभी सुना होगा कि LIC प्रबंधन ने 211 करोड़ का डिविडेंड इस सरकार को दिया है, लाभांश दिया है। बाकी अपने जो कर्मचारी हैं उनको लाभ देने के जगह पर वो बोलते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बीमा क्षेत्र के अधिकारियों कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए बीमा क्षेत्र के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अपना PF का कंट्रीब्यूशन सरेंडर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसके बदले हमको पेंशन मिलता है। तो भी यह प्रबंधन आज तक, यह मेरा पिछले 10 वर्षों से डिमांड है, पिछले वेतन समझौता में प्रबंधन ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन आज जनरल इंश्योरेंस में, आज लाइफ इंश्योरेंस के कर्मचारी और अधिकारी वर्ग पेंशन ऑप्शन के लिए पिछले 10 वर्षों से संघर्षरत है, लेकिन न तो यह सरकार इस व्यवस्था, इस समस्या पर ध्यान दे रही है, और प्रबंधन तो अपनी कंधा झाड़ देती है यह करके कि सरकार के सामने लंबित है, हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों, सर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सभी पब्लिक सेक्टर में आज 5 डेज का वर्किंग डे है। इसलिए वर्किंग डे 5 डे है कि आज लोग अपने घरों से बैठकर नेट से, कंप्यूटर से काम 24 घंटे करते हैं। इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई कि उनको स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए उनको आराम का भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए 5 दिनों का यह सप्ताह घोषित किया गया। पिछले 30 वर्षों से जनरल इंश्योरेंस में यह व्यवस्था लागू है, पिछले 5 वर्षों से बैंकिंग सेक्टर में 2 सैटरडे उनको छुट्टी मिलती है,
लेकिन LIC में प्रबंधन ने यह ऑफर किया पिछले 2013 में जब हमारा वेतन समझौता हुआ, LIC प्रबंधन ने स्वयं इस बात का ऑफर किया कि हम 5 दिन का यह सप्ताह करेंगे और इस 5 दिन के सप्ताह करने में यह मित्रों यह गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि ये कर्मचारी वर्ग आराम के लिए मांग रहे हैं। हम अगर 5 दिन सप्ताह मांगते हैं तो 6ठे दिन का जो समय है वह समय इस 5 दिन में बटेगा। हम बीमा उपभोक्ताओं के सेवाओं पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए सभी कर्मचारी अधिकारी का संगठन ने यह आश्वासन सरकार को दिया, यह आश्वासन प्रबंधन को दिया, लेकिन LIC प्रबंधन सरकार पर यह टालती है कि सरकार के पास लंबित है और सरकार क्या कहती है, ब्यूरोक्रेट कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। इसलिए मैं इस मंच से केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को यह आगाह करना चाहते हैं कि आपको ब्यूरोक्रेट्स के इस ड्यूअल पॉलिसी पर आपकी ध्यान होनी चाहिए। यह हम केंद्र सरकार के इस व्यवस्था से को हम धन्यवाद भी देते हैं कि इस सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय मजदूरों के हित में लिया है जो पीछे 70 वर्षों के सरकारों ने नहीं लिया है। इसलिए हम इस सरकार को स्वागत भी करते हैं, बधाई भी देते हैं, लेकिन उसी ये तीव्रता के साथ इस सरकार को हम यह चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप 70 वर्षों के कुकर्मों को मैं बड़े धैर्य पूर्वक 3 वर्षों से मैं सहन किया है, अब मजदूरों की यह धैर्य शक्ति टूट रही है। इसलिए आज भारतीय मजदूर संघ ने आपको आगाह करने के लिए पूरे देश की मजदूर आपके सामने अपनी भावना व्यक्त करने आए हैं। हमारे यहाँ डेवलपमेंट अफसर हैं जो आप अभी आशा और आंगनबाड़ी बहने जिन समस्याओं से जूझ रही हैं, उनका तो कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह काम करते हैं। यद्यपि उनको पेंशन मिलता है, यद्यपि उनको वेतन मिलता है, लेकिन उनका कोई सर्विस कंडीशन नहीं है। बीमा क्षेत्र में 11 लाख अभिकर्ता हैं, ये अभिकर्ता सुदूर गांवों में जाकर ये सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुदूर गांवों में जाकर के गरीब से गरीब लोगों को ये बीमा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आज इसी अभिकर्ताओं के बल पर आज प्रबंधन सरकार को यह सहयोग करती है। आज इस देश की जितनी भी गवर्नमेंट की प्लान्स है, जितने भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, जितने भी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, इन सब का आर्थिक सहयोग बीमा क्षेत्र से आता है और यह आर्थिक प्रीमियम इनकम, यह बीमा का पैसा, यह हमारे अभिकर्ता बंधु लाते हैं और इन अभिकर्ताओं बंधुओं को अब किसी भी तरह का कोई मानदेय नहीं है। मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों को तो खुश नसीब मानता हूँ कि उनको कुछ मानदेय है, लेकिन ये बीमा क्षेत्र के जो अभिकर्ता है उनको 1 रुपया मानदेय नहीं है, उनको कमीशन मिलता है, उनका कोई सर्विस कंडीशन नहीं है। वो आज अगर बीमार पड़ गए, आज अगर ना, तो उनको उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। और मित्रों, ग्रेच्युटी आपने सुना होगा कि ये 20 लाख ग्रेच्युटी हुआ, लेकिन आज तक पब्लिक सेक्टर में यह ग्रेच्युटी लागू नहीं हो सकता है। सरकार के पार्लियामेंट में इस बिल के अमेंडमेंट करना है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि कैबिनेट ने इस समस्या के समाधान के लिए निर्णय लिया है, लेकिन मैं सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि इसे यथाशीघ्र 1 जनवरी 2016 से जिस प्रकार केंद्र सरकार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी 20 लाख का लाभ मिला है, उसी प्रकार जो है बीमा क्षेत्र के भी कर्मचारियों को यह लाभ मिलना चाहिए। बीमा क्षेत्र के अभिकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। मित्रों, मेरे बैंक के प्रभारी मित्र ने कहा यह विक्टिमाइजेशन का, आप मित्रों बीमा क्षेत्र में भी ट्रेड यूनियन विक्टिमाइजेशन आम बात है। इसलिए मैं इस सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि अगर भारतीय मजदूर संघ को आप रिकॉग्नाइज करते हो, भारतीय मजदूर संघ को अगर आप
केंद्र में मान्यता देते हो तो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सभी यूनियनों को इंडस्ट्री लेवल पर भी मान्यता मिलनी चाहिए। हमारे बीमा क्षेत्र में वो चाहे जनरल इंश्योरेंस में हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस में हो, हमारे कई लोगों का वो एजेंट्स है, डेवलपमेंट अफसर है, हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर्स है, वो ट्रेड यूनियन के कारण उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनको टर्मिनेट किया जाता है। इसलिए मैं इस मंच से सरकार से आग्रह करते हैं कि बीमा क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप नहीं होता है तो बीमा क्षेत्र के कर्मचारी भी उग्र, इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए प्रेरित होंगे। समय की मर्यादा है मित्रों, मैं आप सबों को इस मंच से धन्यवाद देता हूं। मुझे आपने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जय भारत, धन्यवाद।